हेडलाइन के बाद रुक करेंगे खबरों का, और पहली खबर यह है कि बिहार सरकार सोशल मीडिया पर सख्ती दिखाने के मूड में नजर आ रही है। आपको बता दें कि एक चिट्ठी सामने आई है जिसमें साफ तौर पर यह जिक्र किया गया है कि बिहार में अगर सांसदों, विधायकों, मंत्रियों, सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ अगर उनकी छवि को सोशल मीडिया पर धूमिल करने की कोशिश होगी तो इसमें आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा, आईटी एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार के खिलाफ भ्रामक टिप्पणी लिखने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस बारे में आर्थिक अपराध इकाई ने राज्य के सभी विभागों के प्रधान सचिवों को पत्र लिखकर ऐसे पोस्ट के बारे में जानकारी मांगी है। तो आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर बिहार के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कोई गलत बात लिखना अब भारी पड़ सकता है, क्योंकि सरकार सख्ती के मूड में नजर आ रही है। आर्थिक अपराध इकाई ने राज्य के सभी विभागों के प्रधान सचिवों को पत्र लिखकर ऐसे पोस्ट के बारे में जानकारी मांगी है। आपको बता दें कि एडीजी ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें लिखा है कि यह कानून के खिलाफ है और साइबर अपराध में आता है कि अगर किसी की छवि जानबूझकर धूमिल की जाती है, चाहे वो मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, सरकारी अधिकारी हो, इनके बारे में आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और आपको बता दें कि जीतनराम मांझी ने भी कुछ इसी तरीके की बात कही है और ट्वीट किया है। आपको बता दें कि आर्थिक अपराध इकाई के पत्र के बाद बिहार सरकार की सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतनराम मांझी ने ट्वीट के जरिए लिखा कि सोशल मीडिया के जरिए कोई दंगाई तत्व संगठन समाज में आपसी भाईचारा खत्म करने पर तुला हुआ है, जिसका परिणाम सबको भुगतना पड़ रहा है। ऐसे तत्वों पर सरकार कार्रवाई कर रही है तो विपक्ष को इतना खौफ क्यों सता रहा है? ऐसा तो नहीं कि वो लोग सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करके दंगा फैला रहे हैं। और जो लेटर सामने आया है, सोशल मीडिया पर जिस तरीके की सख्ती की बात कही जा रही है, इसके बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर सरकार को कहा है कि मैं चुनौती देता हूं, सरकार मैं ट्वीट कर रहा हूं और सरकार मुझे ट्वीट के आधार पर गिरफ्तार करके दिखाए। तो तेजस्वी यादव ने इधर मोर्चा खोल दिया है बिहार सरकार के खिलाफ। आपको बता दें तेजस्वी अपने ट्वीट में लिखते हैं कि 60 घोटालों के सृजनकर्ता नीतीश कुमार, भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह, दुर्दांत अपराधियों के संरक्षणकर्ता, अनैतिक और अवैध सरकार के कमजोर मुखिया हैं। बिहार पुलिस शराब बेचती है, अपराधियों को बचाती है, निर्दोषों को फंसाती है। सीएम को चुनौती देता हूं, अब इस आदेश के तहत मुझे गिरफ्तार करके दिखाएं। इधर कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी बिहार सरकार के इस आदेश पर कड़े सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि रणदीप सुरजेवाला ने साफ तौर पर कहा है कि ये कानून कहीं ना कहीं लोगों के अधिकारों को, लोगों के बोलने की आज़ादी पर अंकुश लगाने जैसा है। सुरजेवाला लिखते हैं कि भाजपा के साथ साथ उसके जेडीयू जैसे बचे खुचे सहयोगी दलों ने भी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक को ही शासन का जरिया मान लिया है। लोकतंत्र में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। सुरजेवाला ने लिखा कि लोकतंत्र में इस तरह की सोच देश को तानाशाही की तरफ धकेल रही है। कुर्सी बचाए रखने के लिए शायद नीतीश जी ने मोदी जी को अपना गुरु मान लिया है, गुरु के रूप में धारण कर लिया है। तो एक के बाद एक तमाम नेता निशाना साध रहे हैं और सोशल मीडिया पर ही सरकार की आलोचना कर रहे हैं। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने भी इस आदेश को लेकर सरकार को निशाने पर लिया है। आपको बता दें कि मनोज झा ने अपने ट्वीट में कहा है कि हे बिहार सरकार, कहां ले जा रहे हैं बिहार को, आलोचना से इतना डर, जनादेश को शासन देश में बदलने का नतीजा कुछ यूं होता है। क्या है, उन्होंने कहा है, बकौल फैज, निसार में तेरी गलियों का ऐ वतन की जहां चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले। नेता प्रतिपक्ष ने ठीक ही कहा है कि छोटी छोटी चीजें जहां आपसे सवाल पूछा जाता है, आप जेल भिजवाएंगे लोगों को? आपकी हिटलर शाही पे सवाल पूछेगा तो हिटलर विशेषण के आधार पर आप जेल भिजवाएंगे? इतना सनद रहे
माननीय मुख्यमंत्री जी और आपकी पूरी की पूरी टीम, जिस प्रकार मैंडेट के व्याकरण को आप संभाल नहीं पा रहे हैं, उसको समझ नहीं पा रहे हैं, बिहार की जनता इस तुगलकी तालिबानी फरमान को कतई स्वीकार नहीं करेगी। सड़कों पे बवाल मचेगा, फिर आप ये फरमान हाथ में लेके घूमते रहना। हमारी सरकार ने अगर कोई कदम उठाने का निर्णय लिया है तो इसकी सर्वत्र सराहना की जानी चाहिए, इसलिए कि सोशल मीडिया और इंटरनेट लोगों के बौद्धिक स्तर के उन्नयन, उन्हें जानकारियां उपलब्ध कराना और कई प्रश्नों पर अलग अलग विचारों से उन्हें अवगत कराने के लिए हुआ। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग, अपशब्दों का प्रयोग और इनके लिए जिस तरह के असंसदीय वाक्यों का प्रयोग हुआ है, वो निस्संदेह शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए राज्य सरकार का ये ताजा निर्णय स्वागत योग्य है। यह जो पत्र नैयर हसनैन ने निर्गत किया है, यह उस 66(1) IT Act को समर्थन करता हुआ प्रतीत होता है और दमनात्मक कार्रवाई की ओर संकेत देता है, जो व्यक्ति के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनने की बात करता है। अगर कोई गलत करता है तो हम उसको सार्वजनिक कर ही सकते हैं। इस तरह से हमें यह प्रतीत होता है कि इस पत्र को जारी करने के बाद जो समाज सेवी हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो RTI एक्टिविस्ट हैं, उनके ऊपर सरकार की निगाह है कि किसी भी तरह से सरकार के झूठ को उजागर नहीं किया जा सके। भारत के संविधान ने हर किसी को अभिव्यक्ति की आजादी दी है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी का कतई ये मतलब नहीं होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के बारे में तथ्यहीन, भ्रामक, असंसदीय, अमर्यादित टिप्पणी करे और सोशल मीडिया पर कुछ भी अनाप शनाप लिखता रहे। इसे किसी भी व्यक्ति के मान सम्मान और उसकी मर्यादा को ठेस पहुंच सकता है और कानूनी अपराध भी है, लोग इस पर केस भी करते हैं और तर्कसंगत और न्यायसंगत कार्रवाई भी होती है। लेकिन अब जिन लोगों को भ्रामक बातें लिखना, अमर्यादित टिप्पणी करना, जिनकी आदत है सोशल मीडिया पर, उनको तो इस बात से दिक्कत होगी ही। बिहार सरकार का अजीबो गरीब तुगलकी फरमान सामने आया है। सरकार कह रही है कि जो भी सोशल मीडिया पर बिहार सरकार के माननीय मंत्री, सांसद, विधायक एवं सरकारी अफसर पर टिप्पणी करेगा, उस पर कार्रवाई करेंगे। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है, इस पर सरकार कैसे पाबंदी लगा सकती है? सरकार अपनी आलोचना से डरी हुई है, सरकार को ये फरमान वापस लेना पड़ेगा। और इस वक्त इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी मीडिया संवाददाता रितेश। रितेश से बात करते हैं। रितेश, अजीब हो रहा है कि जिस सोशल मीडिया पर सख्ती दिखाने की बात हो रही है, उसी सोशल मीडिया के सहारे चैलेंज किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने चुनौती दी है सरकार को कि मैं लिख रहा हूं, मुझे गिरफ्तार करके दिखाइए। जी बिल्कुल, बिहार की राजनीति में इसे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर अंकुश लगाने की बात चल रही है और अब उस पर भी राजनीति हो रही है, और सबसे बड़ी बात राजेश आपने खुद कह दी कि सोशल मीडिया के थ्रू ही राजनीति और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सबसे बड़ी बात है कि EOU के जो ADG हैं नैयर हसनैन खान, उन्होंने पत्र लिखा है और सभी जो प्रधान सचिव हैं, सभी विभागों के जो सचिव हैं, उन्हें पत्र के मार्फत ये जानकारी दी गई है कि कोई भी अगर आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है तो इसकी विस्तृत जानकारी EOU को दी जाए। सबसे बड़ी बात है कि पत्र में इस बात का साफ साफ जिक्र किया गया है कि अगर सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक, अमर्यादित और सबसे बड़ी बात है कि असंसदीय अगर भाषा का इस्तेमाल होता है, कुछ जो जिस पर आपत्ति जताई जा सके, अगर इस तरह की टिप्पणी की जाती है, बातें लिखी जाती हैं, तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन विपक्ष को मुद्दा चाहिए, किसी भी मुद्दे पर विपक्ष को सरकार को घेरना है तो विपक्ष अपना काम बखूबी कर रहा है। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल जायज़ है और राजनीतिक गलियारों में बात हो रही है कि नहीं, जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति के नाम पर जिस तरीके से लोग कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं, ये सही नहीं है और आने वाले समय में इसका गंभीर परिणाम देखा जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस चीज पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। सार्वजनिक तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया पर जिस तरह से कंटेंट आ रहा है, जिस तरह से वेब सीरीज आ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं
समाज के पतन का कारण बन रहा है। कई बार राजेश आपने भी देखा है कि दंगे की खबरें आती हैं, दंगा भड़काने की कोशिश की जाती है, कुछ भ्रामक बातें आती हैं और उसका आधार कहाँ से है, ओरिजिन कहाँ है और कौन कौन से लोग सोर्स हैं ये भी नहीं पता चल पाता है। तो सही समय पर सरकार ने इसे लिया है, इस फैसले को लिया है और जिस तरीके से मामला क्लियर किया गया है और वैसे लोग जो इस तरह के हरकत को करते हैं, इस तरह की बातों को करते हैं, एक तरह से पुलिस ने उन्हें मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है कि आप सुधर जाइए, नहीं तो आगे अब कठोर कार्रवाई आपके ऊपर की जा सकती है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है लोगों के मन में ये होता है कि सोशल मीडिया है, कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी बोलेंगे, कार्रवाई तो होनी नहीं है। लेकिन अब पुलिस मुख्यालय ने भी ठान लिया है, EOU ने भी ठान लिया है और सबसे बड़ी बात है कि CID ने भी अब कम्युनिकेशन सेंटर बनाने की बात कही है। तो मामला बिल्कुल गंभीर होने जा रहा है और अब अगर लोग नहीं चेतते हैं, इसी तरह की हरकतों को वो सोशल मीडिया पर करेंगे तो फिर उन्हें कठोर सजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन रितेश, आने वाले दिनों में बजट सत्र है, ऐसा नहीं लगता कि सरकार ने मुसीबत मोल ली है? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से इधर अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव काफ़ी मुखर रहते हैं, काफ़ी एक्टिव होकर अपनी बात कर रहे हैं, या जो भी विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता हैं या तो ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से अपनी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पत्र में इस बात का साफ साफ जिक्र किया गया है कि आपत्तिजनक, असंसदीय और अशोभनीय बातें अगर आप लिखते हैं सरकार के खिलाफ, सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ, और इसमें इस बात का जिक्र नहीं है कि जो सरकार के, जो सत्ताधारी दल के विधायक हैं उनके खिलाफ ही अगर लिखा जाएगा तो कार्रवाई होगी। इसमें जो भी लोग जो विधायिका से जुड़े हुए हैं, अगर उनके खिलाफ आप अमर्यादित टिप्पणी करते हैं, कुछ वैसा लिखते हैं जिससे उनका मानहनन होता है, तब आप पर कार्रवाई होगी। तो साफ साफ पत्र में जिक्र किया गया है। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि विपक्ष को राजनीति का मौका चाहिए, तो विपक्ष भी अपना जो कर्तव्य है उसका निर्वहन कर रहा है। लेकिन ये बात तो तय है कि जिस तरीके से गाहे बगाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात का लगातार जिक्र कर रहे थे कि नहीं, सोशल मीडिया पर जिस तरह से बातें आ रही हैं और जिस तरह से लिखा जाता है, जिस तरह से कंटेंट डाला जाता है और इसका असर कहीं ना कहीं जो टीनेज के लड़के हैं या जो समाज में इसका असर पड़ता है, कई बार खबरें आईं जब दंगे होते होते बचे या ऐसी ऐसी खबरें आईं जिसका दूर दूर तक सच्चाई से कोई वास्ता तक नहीं था। अगर इस तरह की खबरों को नहीं रोका गया, इस तरह के कंटेंट को नहीं रोका गया, तो इसका दूरगामी परिणाम हो सकता है। उन्होंने सूचना मंत्रालय से भी पहले मांग की थी कि जाहिर सी बात है कि ये मुद्दा कहीं ना कहीं बिहार में इस वक्त सुर्खियों में है। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो जी मीडिया संवाददाता रितेश हमें बता रहे थे कि किस तरीके से ये मुद्दा सोशल मीडिया पर सख्ती का फिलहाल